यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में नया गठबंधन बन गया है। AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अपना दल के ने गठबंधन कर लिया है। तो बड़ी खबर यूपी से इस वक्त की, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, एक और नया गठबंधन सामने आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अपना दल के कामरेवादी ने गठबंधन कर लिया है। पल्लवी और ओवैसी की सपा के वोट में सेंधमारी की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। तो पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी में भी गठबंधन सामने आ गया है, गठबंधन में इस चुनाव को लड़ेंगे। तो ये बड़ा गठबंधन एक और, पल्लवी पटेल और ओवैसी की AIMIM गठबंधन में यानी साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़, क्योंकि अब एक और नई पार्टी सामने आ गई है। चुनाव सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं रह गया, बल्कि कई सारी जो पार्टी है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की हो या फिर पल्लवी पटेल और ओवैसी की हो, पिक्चर में अब कई सारी पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश के रण में कूद गई हैं। आपको बता दें कि एक नया गठबंधन सामने आ गया है, AIMIM और अपना दल के ने गठबंधन कर लिया है। हमारे साथ लगातार मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए, अभी हम यही कह रहे थे कि नई नई पार्टियां देखने को मिल रही है, अब सवाल यही, पल्लवी पटेल और ओवैसी भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से समीकरण बदलते हुए आप देख रहे हैं? जी मोहम्मद आसिफ, आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, मैं यही सवाल पूछ रही थी कि उत्तर प्रदेश में अब एक और गठबंधन सामने आ गया है, पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से देखें, क्या समीकरण बदलते हुए आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि यूपी की सियासत की बात करें तो यूपी में हर रोज राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और जिस तरह से अब पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ने के बाद AIMIM से समझौता किया है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहा जा सकता है पल्लवी पटेल की। और पता है कि कुछ ऐसे सॉलिड वोटर हैं जो AIMIM के पास हैं, और लगातार ओवैसी के बयानों को लेकर मुस्लिम वोटर जो हैं कहीं ना कहीं प्रभावित होते रहते हैं। इसके पहले भी AIMIM चुनाव लड़ चुकी है यूपी में, हालांकि जीत का आंकड़ा नहीं पास कर सकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है AIMIM में समाजवादी पार्टी और बसपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। और यही वजह है कि लगातार सपा और बसपा जो है पीछे चली जा रही है, और जो स्थिति है काफी खराब होती चली जा रही है। अब जब अपना दल यानी कि पटेल वोटरों के सहारे AIMIM का साथ मिलेगा, तो मुस्लिम और पटेल का गठजोड़ करते हुए अपना दल से चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे में अब जो यह कहा जा सकता है कि यूपी में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से समीकरण बढ़ रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार मुस्लिम प्रत्याशी उठा रही है, 26 प्रत्याशियों में से 5 मुस्लिम, 7 मुस्लिम, माफी के 7 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं। अगर बात करें सपा की, तो सपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन मुस्लिम बाहुल सीटों पर प्रत्याशी को चयन को लेकर राड मची हुई है, चाहे मुरादाबाद की सीट हो या फिर रामपुर की सीट हो। आज जिस तरह से ऐलान हुआ है AIMIM और अपना तरीके के बीच, यह एक राजनीतिक भूषण भी हो सकता है सपा और बसपा के लिए, कहीं ना कहीं वोटों का खराब भी होगा। और आज बड़ा ऐलान भी पल्लवी पटेल करेंगी अपना दल के की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वह अपने मैनिफेस्टो को भी बता सकती है, और साथ ही साथ मोहम्मद आसिफ, जहां एक तरफ आज मेरठ में एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, वहीं मतलब जितने भी बीजेपी के साथ उनके सहयोगी हैं वो वहां पर मंच पर मौजूद रहेंगे, एक आवाज में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब जब पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी एक साथ गठबंधन करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद आसिफ
जी निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के चयन और टिकट देने को लेकर लगातार रार मची हुई है, रामपुर, मुरादाबाद और बागपत सीट के बाद अब मेरठ में भी घमासान मचा हुआ है। अतुल प्रधान ने यहाँ पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर भानु प्रताप को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। इससे जो समर्थक थे अतुल प्रधान के, वह बेहद नाराज हो गए और यही वजह है कि भानु प्रताप का टिकट भी कट हो गया है, उन्हें प्रत्याशी जो है प्रत्याशी पद से हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ बात करें एनडीए की, तो एनडीए लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की पूरी जो है भूमिका बना चुकी है। एक तरफ जहाँ एनडीए, ठीक है मोहम्मद आसिफ, ठीक है मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।